हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड एक्सरसाइज है, तो शुरू करते हैं बात। तो 7.3 का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। अब हमें देखिए कॉस 2x का फॉर्मूला मालूम है जो साइन स्क्वायर x में रहता है, यानी 1 - 2 sin² x। देखिए फॉर्मूला आपको पता है। अब ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 - cos 2x / 2। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात, कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली, 1 - cos 2x / 2। उसी का इस्तेमाल कर लेंगे यहां, यानी इस साइन स्क्वायर इसको पूरा समझो थीटा, तो उसको लिख सकते हो 1 - cos 2, और ये पूरा x था यानी 2x + 5, देखो ध्यान से, / 2 dx। इससे हमारी चीज बहुत सिंप्लीफाइड हो जाती है। अब आप इंटीग्रेट कर दो अलग अलग, यानी 1/2 dx - 1/2 बाहर cos, और आप चाहो तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी लिख सकते हो 4x + 10 dx। बहुत अच्छा। अब यहां पे वैल्यू आ गई 1/2 x, और यहां पे आया 1/2 पहले से था। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो जाती है साइन थीटा इंटीग्रेशन में, तो साइन 4x + 10, और आपको मालूम है कि जब आप इंटीग्रेट करते हो तो x के साथ जो मल्टीपल होता है उससे डिवीजन हो जाता है। आप जब करोगे तो जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है इंटीग्रेशन में उससे आप डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस सी तो आपके साथ था ही। अब इसको मैं आगे लेके चलूं और सिंप्लीफाइड आंसर लिख दूं जो हो सकता है, तो 1/2 x, और ये वैल्यू हो गई -1/8 sin 4x + 10 + c, और ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो पहले वाले क्वेश्चन का ये आंसर आपका आ रहा है जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है sin 3x * cos 4x। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 sin a (cos b) = sin a + b + sin a - b। इसी का इस्तेमाल करेंगे देखिए, और क्या बात पकड़ेंगे यहां से, ये देखिए साइन ए, इसको पकड़ लो साइन ए, ये ए ले लो एंगल, और इस एंगल को क्या ले लो, बी एंगल। तो साइन ए इंटू कॉस बी बन गया, तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी आ गया 2, को नीचे कर देंगे 1/2, तो इसको आप लिख सकते हैं यहां पर 1/2, ये एक्सप्रेशन ब्रैकेट लगाया साइन ए प्लस बी, ये ए ये बी, तो 3x और 4x जोड़ोगे आ जाएगा 7x, बहुत सुंदर। प्लस फिर साइन ए माइनस बी, तो 3x में 4x घटाओगे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा -x। ये वैल्यू देखिए बन गई आपकी, बहुत अच्छी बात। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता ही है कि जो साइन, ये भी आपको नॉलेज होगी बिल्कुल अच्छे से, कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है -sin θ। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यहां पे इस्तेमाल करेंगे। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, यानी साइन 7x लिख देता हूं इसको, और इसको -sin x लिख देता हूं। आपकी समझ में पूरी बात आनी चाहिए, और इंटीग्रेशन का सिंबल तो लगा ही है, ऊपर छूट गया तो फिर से लगा लो। ठीक है साहब, अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको हम लोग। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx, और एक सी तो रहने वाला था ही। 1/2 sin x का हो जाएगा -cos 7x / 7 - ½, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी -cos x + c। थोड़ा सा और ऊपर करके फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम लोग, तो इसका आंसर आ गया -1/14 cos 7x + 1/2 cos x + c, और ये देखिए आपका फाइनल आंसर आ गया। मैं हट जाता हूं जैसे पूरी बात आप साफ तौर पे देख पाए, नोट कर पाए, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 लग जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब तो बच्चों अभी हम जो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
और क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया है कॉस टू एक्स इंटू कॉस फोर एक्स इंटू कॉस सिक्स एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में तीन देखिए मल्टीपल आ गए हैं, तो तीन मल्टीपल आ गए हैं कोई बात नहीं, हैंडल करेंगे। हमें फॉर्मूला पता है टू कॉस ए इंटू कॉस बी का, जो होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर कॉस ए इंटू कॉस बी लेना होगा तो टू को नीचे कर देंगे, हाफ कर देंगे, बात खत्म। इसके लिए इन दोनों के पेयर बनाते हैं और इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी। ये हमारा हो गया ए एंगल और ये हमारा हो गया बी एंगल। अब देखिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो कॉस टू एक्स को तो अभी रह ऐसे ही रखा, इन दोनों में लगा देते हैं। तो मैं ब्रैकेट यूज करता हूं, हाफ लिख लो कॉस, चार और छह मिलके हो जाएंगे दस एक्स, और प्लस कॉस फोर एक्स में सिक्स एक्स घटा दोगे तो आएगा माइनस टू एक्स। ब्रैकेट लगा लीजिएगा, छोटा बड़ा जो भी आप लगाना चाहें। अब आपको ये पता ही है साहब कि जो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू होती है, कॉस माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा ही होती है, उसमें तो कुछ फर्क होता नहीं। तो ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये वैल्यू बनी है हमारी कॉस टू एक्स, हाफ बाहर ले लेते हैं सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस टेन एक्स, और ये रहा कॉस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस हाफ को एकदम बाहर करके कॉस टू एक्स से मल्टीप्लाई मार दो, तो वन बाई टू, अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ गया कॉस टू एक्स इंटू कॉस टेन एक्स, और कॉस टू एक्स होके हो गया कॉस स्क्वायर टू एक्स। बड़ी अच्छी बात है, अब हमको कॉस स्क्वायर टू एक्स को हैंडल करना आता है। देखिए कैसे हैंडल कर सकते हैं हम लोग, देखिए साहब हमें मालूम है कि कॉस टू एक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहां से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी, वन को इधर लाओगे तो वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ये वैल्यू होगी, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर। अब देखिए लिखते हैं वन बाई टू इंटीग्रेशन, यहां भी जो फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी वाला इस्तेमाल करेंगे बेटा, तो यहां पर लिखो 1 बाई टू इसके लिए कॉस ए प्लस बी, दो और 10 मिलके हो जाएगा 12x, प्लस कॉस ए माइनस बी, 2x में 10x घटा दो तो आ जाएगा कितना माइनस 8x, तो माइनस 8x। ठीक है, आगे चलते हैं कॉस इसको ब्रैकेट कर लेते हैं बंद, इसका काम खत्म हो गया। इधर इसकी बात करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर टू एक्स को 1 प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू, और पूरी वैल्यू को हम कर रहे हैं इंटीग्रेट। ये सिचुएशन बनी, हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, जगह मिल जाए लिखने की। अब आगे बढ़ते हैं और इसको 1 बाई टू को तो बाहर ही रखा, इसको इंटीग्रेट करने चलोगे अब तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसको इंटीग्रेट करो तो लिख सकते हैं कॉस 12x अपॉन 2 को इंटीग्रेट कर रहे, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, हाफ इधर था ही, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं कॉस 8x अपॉन 2 को, इधर आ जाओ इंटीग्रेट कर रहे हैं हाफ को, और इंटीग्रेट कर रहे हैं कॉस 2x अपॉन 2 को। सी जो आएगा वो तो बाद में लिख लेंगे, आगे चलते हैं बेटा हम लोग, रहा हाफ, अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस 12x की, जो कि आ जाएगी माइनस साइन 12x अपॉन 2, और साथ वाला ये 12। ठीक, यहां आ जाओ तो कॉस x का प्लस साइन x आएगा, तो कॉस 8x का आगे चलते हैं तो आ जाएगी वैल्यू साइन 8x अपॉन 2 इंटू 8 प्लस x बाई 2, यहां आ जाओ तो आ जाएगा साइन 2x अपॉन ये 2, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है आपको मालूम है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो x का जो मल्टीपल होता है वो डिवीजन में चले जाता है, वो डिवाइड कर देता है एक्सप्रेशन को। तो यहां पर चलते हैं आगे, इस 2 से अगर आप चाहें 2 कॉमन और आ जाएगा तो 2 कॉमन ले लो, 1 बाई 4 लिख दो, यहां वैल्यू बची साइन
12x अपॉन 12, यहां बची साइन 8x अपॉन 8, दो कॉमन जा चुका है, यहां x बचा, यहां बचा साइन 2x अपॉन 2 और प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा, इसको चेक कर लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, दिस इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा बेटा कि यहां पर देखिए जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी तो कॉस स्क्वायर 2x था, ध्यान दीजिएगा यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4। देखिए कॉस स्क्वायर x का डबल एंगल है ना, तो कॉस स्क्वायर 2x है तो यहां वैल्यू आनी चाहिए अपनी कितनी 4। अगर ये 4 आ जाएगी तो यहां भी आ जाएगी 4, इसको चेक कर लेना थोड़ा सा, और ये आ जाएगा 4 और नीचे मल्टीपल में भी आ जाएगा 4। आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन, और यहां पर दो बाहर चला जाएगा तो वैल्यू बचेगी नीचे, नीचे बचेगी 4, और अगर मैं बात करूं इस 2 की जगह तो आ जाएगा आपका 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और लिखा हुआ है साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, इसको दो तरीके से कर सकते हैं लेकिन हम लोग एक तरीका सिंपल वाला इस्तेमाल करेंगे। इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx, बहुत अच्छी बात। अब अगेन साइन स्क्वायर x को हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, और ये रहा साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। अब यहां पर कॉस 2x प्लस 1 को t एज्यूम कर लीजिए, लेट कॉस 2x प्लस 1 को हमने क्या ले लिया t के बराबर। अब dt बाई dx जब आप करोगे तो वैल्यू आ जाएगी कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2, 2 मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन वाला, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस dt अपॉन 2 साइन 2x प्लस 1। ये देखिए एक्सप्रेशन हमारे बहुत काम का है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहां पर लिख दीजिए 1 माइनस t स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने t ले लिया था cos 2x प्लस 1 को, साइन 2x प्लस 1 को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये कट जाएगा, dx की जगह वैल्यू डाल दी माइनस dt अपॉन 2 साइन 2x प्लस 1। ठीक, ये साइन 2x प्लस 1 देखिए कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू क्या मिली माइनस से कर दो अंदर मल्टीप्लाई और 1 बाई 2 कर दो बाहर, तो ये वैल्यू बची t स्क्वायर माइनस 1 dt। इसको हमें करना है इंटीग्रेट, तो यहां पर हमने देखा था माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 2 चला गया बाहर, तो ये आ गया 1/2। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू जो पकड़ी थी उसकी वैल्यू लिख देते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको मैं, इसको मुझे हटा देना चाहिए और मुझे लिखना चाहिए टी क्यूब यानी कॉस क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2 6 माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन, ये 2 से मल्टीप्लाई मारोगे तो आ जाएगा 2 और प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, चेक कर लीजिए और ऐसे ही सवाल बनाते चलिए। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है, बस आप क्या करो लेट कर लो टी बराबर कॉस एक्स। देखिए क्या बेनिफिट होगा, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन एक्स, यानी डी एक्स को आप लिख सकते हो माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, और इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। अब यहां आ जाओ, इसको लिख लो साइन क्यूब एक्स, कॉस को टी माना है कॉस एक्स को, तो इसको लिख दो टी क्यूब, और डी एक्स की जगह लिख दो माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। एक साइन एक्स इसकी पावर को काट के दो छोड़ेगा तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स टी क्यूब
डी टी और ये जो माइनस साइन था इसको कर लो बाहर, माइनस अब इसको लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी क्यूब इंटू डी टी। आगे चलते हैं, माइनस टी कॉस एक्स को टी माने हो तो वन माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब डी टी। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और यहां क्या देखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन टी से मल्टीप्लाई कर दो टी क्यूब माइनस टी की पावर फाइव डी टी। फिर आगे चलते हैं, माइनस को बाहर रखो, इंटीग्रेट माइनस से मल्टीप्लाई करके पलट लो उसको, छुट्टी हो जाएगी माइनस की तुरंत। तो यही करते हैं हम लोग, अब मल्टीप्लाई कर लिया तो टी की पावर फाइव आ गई माइनस टी क्यूब आ गया और ये रहा डी टी। सी अभी लगा लेंगे, ये वैल्यू हो गई टी की पावर सिक्स अपॉन सिक्स माइनस टी की पावर फोर अपॉन फोर, ठीक प्लस सी। अब हम टी में तो आंसर दे नहीं सकते हैं इसलिए थोड़ी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, कॉस एक्स मानी थी तो कॉस सिक्स एक्स पावर में सिक्स माइनस कॉस पावर फोर में फोर प्लस सी और यही आपका देखिए फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन फाइव आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, और सिक्स में देखिए दे रखा है इंटीग्रेट करने के लिए इस तरह का इंटीग्रेशन चाहिए, साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स। तो जैसा हम लोग पैटर्न समझ रहे थे यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग टू साइन ए इंटू साइन बी का, सारे साइन है ना, और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर आगे चल के ये फॉर्मूला भी अप्लाई होगा यहां पर। तो साइन ए साइन बी में इसे हम ले लेते हैं साइन ए, क्योंकि यहां पर देखिए वैसे कोई फर्क नहीं क्योंकि कॉस में आ रहा है, तो किसी भी इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, इन दोनों की पेयरिंग बना लेते हैं, ठीक इसे बोल देते हैं हम लोग साइन ए के फॉर्मेट में ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं हम लोग साइन बी के फॉर्मेट में। तो टू साइन ए साइन बी चाहिए, यहां पर दो और चाहिए था तो इस वाली एक्सप्रेशन में टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड भी कर देते हैं, हो गया काम खत्म। अब ये जो वन बाई टू है इसको लिख लेते हैं बाहर और ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, मैं इसको साइन टू एक्स को अलग कर लेता हूं आपको समझ में अच्छे से आए इसलिए, और इस टू को इनके साथ यानी टू साइन ए वाले को पहले लिख रहा हूं जिसे आपको दिमाग पूरा अच्छे से पकड़ ले, और फिर रहा साइन बी। देखो बेटा ये स्टेप अच्छे से समझ में आया कि नहीं, कुछ भी नहीं किया, टू से डिवाइड मल्टीप्लाई करके बना लिया। अभी टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हम लोग कॉस वाले टर्म में लगा देंगे, मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेता हूं थोड़ा और दिखेगा। तो इसको लिखते हैं वन बाई टू साइन टू एक्स में तो कोई दिक्कत थी नहीं, यहां आ जाओ फॉर्मूला लगा लो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी करोगे तो कॉस टू एक्स आ जाएगा, दिख रहा है आपको ए माइनस बी, और माइनस कॉस ए प्लस बी तो माइनस कॉस ए प्लस बी तीन और चार तो कॉस फोर एक्स आ जाएगा। ये रही बात अपनी डीएक्स की। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे देखिए वैल्यू क्या बनी, वन बाई टू मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स इंटू कॉस फोर एक्स, ये देखिए एक्सप्रेशन बन रहा है यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जानते हैं साइन ए टू साइन ए इंटू कॉस ए तो होता साइन टू थीटा, है ना, टू अगर आ जाए तो, और बाकी इस वाले एक्सप्रेशन में टू साइन ए इंटू कॉस बी में टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो आइए इसको लगा के देखते हैं हम लोग कि क्या एक्सप्रेशन मिलने वाला है। तो एक टू और लेना पड़ेगा नीचे, तो देखिए ये टू पहले से था, एक वन बाई टू और लगाया और टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो बना टू साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स माइनस टू साइन 2x into cos 4x और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है और ये रहा dx। अब आगे और चलते हैं बेटा, कलर थोड़ा बदलते हैं, ये वैल्यू हो गई 1 by 4, इंटीग्रेशन में ये वैल्यू आ जाएगी sin 4 थीटा, 2 sin a into cos b क्या होता है sin 2 थीटा, तो sin 4x आ जाएगा। यहां चले हम लोग तो यहां पर ये फॉर्मूला लगा दिया, देखिए 2 sin a into cos b का तो क्या फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी, तो ये वैल्यू आ गई 6x, फिर है प्लस साइन
a माइनस बी, तो a में से माइनस बी अगर आप करोगे तो आ जाएगा माइनस टू एक्स डीएक्स। अब इसको आगे हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां पर वैल्यू आ गई देखिए 1/4 इंटीग्रेशन, इसको अलग कर लेते हैं साइन 4x dx पूरा ब्रैकेट यूज करते हुए, यहां पर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन 6x dx और यहां आ जाएगा देखिए आपको मालूम है कि साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होती है, तो साइन माइनस थीटा आ रहा है इसलिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा और जब माइनस साइन आएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये बना प्लस साइन 2x dx। समझ पाए होंगे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस हो गया। आगे चलते हैं बेटा 1/4 इंटीग्रेट कर दो तो साइन का हो जाएगा इंटीग्रेशन में माइनस कॉस 4x अपॉन 4, इधर पढ़ो तो माइनस कॉस 6x अपॉन 6 और इसका चलो तो माइनस साइन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और प्लस थ्री, तो आगे पीछे हम लोग का लगना ही लगना है। थोड़ा और इसको ऊपर लेके चलते हैं बेटा, जगह बना लेते हैं। फिर देखिए अब ये आंसर आ चुका है, सबका ले लीजिए माइनस बाहर आप, तो अगर सबका माइनस बाहर या इसको प्लस करके माइनस अंदर ही रहने दीजिए तो 1/2 यहां से 2 और कॉमन आ जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। इस प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं कॉस 6x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस और 2 कॉमन ले चुके थे तो 3 बचा, उसके बाद माइनस कॉस 4x अपॉन 2 कॉमन जा चुका था तो 2 बचा और यहां 2 कॉमन जा चुका था तो माइनस कॉस 2x और प्लस सी। ये देखिए बेटा आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा पेशेंस और थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 विच इज वेरी वेरी इजी। यहां पर लिखा है साइन 4x इंटू साइन 8x। आप जानते हो फॉर्मूले के तौर पर कि 2sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है। इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग यहां कर लेंगे और बहुत आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, एक 2 चाहिए इसके लिए तो यहां पर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 इसके साथ ले लेंगे तो 2sin 4x इंटू साइन 8x और ये रहा dx। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल 2sin a इंटू साइन बी, तो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे cos a माइनस बी, तो 4x में से 8x घटाओगे तो आ जाएगा माइनस 4x, फिर माइनस cos a प्लस बी 8 4 12x और इसी को हमें इंटीग्रेट करना पूरा पूरा, प्लस सी तो आ ही जाता है उसकी फिक्र अपने को नहीं है। फिर 1/2 लिखते हैं इसको इंटीग्रेट करने, क्योंकि cos माइनस थीटा आपको मालूम ही है कि जो cos माइनस थीटा होता है उसकी वैल्यू cos थीटा ही होती है, तो ये साइन cos माइनस 4x का मतलब कोई फर्क नहीं डालने वाला है। तो इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस सी, ये हमारा एक्सप्रेशन मिल गया। बहुत ही सरल सवाल, 1/2 यहां पे इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा cos का साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन 12x अपॉन 12 प्लस सी। ये आंसर आ चुका है, अगर आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख सकते हो, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू बन जाएगी साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 12x अपॉन 24 प्लस सी और दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, थोड़ा पेशेंस और थोड़ी प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 8 में देखिए क्या बोला है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है अपने आप को,
तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए दोनों को, इस वन को उड़ाने के लिए हमें cos 2x के दो फॉर्मूले पता हैं। cos 2x हमारा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के, और यही चीज बराबर होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x के। तो ऊपर इस 1 को हटाने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस वाला, और नीचे को भगाने के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला। आप कर भी चुके हैं 10th क्लास में काफी कुछ ज्यादा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और लिख देते हैं x बाई 2, क्योंकि ये x था, ये जब 2x होता है तो उसका आधा होता है, तो अगर ये x है तो ये x बाई 2 हो गया, अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और ये रहा dx। आगे चलते हैं और यहां पर देखिए ये वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। नीचे देखिए इस वन से ये वन कैंसिल हो गया, आ गया 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx। अब इसी के आगे सॉल्व कर लेते हैं, इस 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या बची, साइन अपॉन कॉस आ रहा है, तो बचा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। प्लस सी तो बाद में लगा ही लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। अब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, आप ये फॉर्मूला जानते ही हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको पता ही है। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। अब यहां पे इंटीग्रेट कर दीजिए, sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन आप जानते ही क्या होता है, tan x बाई 2 होता है, तो इसका हो जाएगा tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई हाफ, क्योंकि x से 1 बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाजू वाले का हो जाएगा माइनस x प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फाइनल आंसर लिख देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा। तो देखिए इस तरह से इन सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, और 9 में हमें इंटीग्रेट करना है cos x 1 प्लस cos x को, ये हम इंटीग्रेट करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक लगाएंगे, ऊपर न्यूमिनेटर में प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे, उससे बहुत ही हमें एडवांटेज मिलेगा। देखिए 1 प्लस cos x माइनस 1 कर दिया, और नीचे तो 1 प्लस cos x था ही। अब इसमें क्या एडवांटेज मिलेगा, अभी आप देखिए, ये हम लिख लेते हैं, प्लस माइनस 1 करने में कोई फर्क नहीं। अब इसको एक साथ ले लेते हैं न्यूमिनेटर में, और इसको अलग कर लेते हैं। तो यहां लिख लीजिए 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, और बाजू में आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx, प्लस सी बाद में लिख देंगे। ये दोनों पूरी वैल्यू गई कट, तो आ गया 1 dx। यहां पे आ जाइए 1 अपॉन, इस 1 को भगाने के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 जाएगा कट। तो देखिए वैल्यू क्या हाथ लग जाएगी, यहां आ जाएगा x और यहां आ जाएगा ये 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 कर लो बाहर, 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 dx। अब देखिए यहीं पे आगे लिख देता हूं, ये रहा x, ये रहा माइनस हाफ, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर x बाई 2 dx। आगे इंटीग्रेट कर दीजिए इसको साहब, तो ये तो x पहले से था, माइनस हाफ sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, तो वैल्यू आ गई tan x बाई 2, और क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा था हाफ, इसलिए डिवीजन में चला गया, ये दोनों निपट गए और वैल्यू आ गई x माइनस tan x बाई 2, ये थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूं, tan x बाई 2 प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और सवाल निकलता चला जाएगा।
तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ी सी लंबी वर्किंग ले सकता है क्योंकि पावर 4 लगा हुआ है। बेसिकली मैं इंटीग्रेट करना है जो सवाल लिखा है। देखिए साइन की पावर 4 एक्स डी एक्स, सवाल जरा सा है लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करने में स्टेप बढ़ जाएंगे। इसका कारण क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इस तरह से आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ने का तरीका कहां से लेंगे, तो हम जानते थे कॉस 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से हम फाइंड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर हमें पहले से पता है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा इसके अंदर और देखिए क्या करते हैं। इंटीग्रेशन किया हम लोगों ने, साइन स्क्वायर एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और इसका पूरा स्क्वायर था। देखिए यही वैल्यू थी ना, देखो साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए यहां और स्क्वायर तो रहेगा ही, कुछ कर नहीं सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जब स्क्वायर करोगे ओपन तो ये 2 का 4 हो जाएगा, तो 1/4 तो कर लो बाहर और ये अंदर की कहानी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉस 2x और ये पूरी चीज का हो गया साहब dx। आगे और चलेंगे अभी हम लोग, आगे चलते हैं 1/4। अब अलग अलग इंटीग्रेशन लेने की बात करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो 1 dx कर लीजिए, इस पे पहुंचोगे तो लिखोगे इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x अगले dx और अगले पे पहुंचोगे तो आ जाएगा 2 बाहर इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। c लगा लेंगे बाहर बाद में, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा फिर मिल रहा है और इसका फॉर्मूला हमको फिर से पता है कॉस 2 थीटा का। यहां से अगर मैं बोलूं कि कॉस 2x की वैल्यू क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 प्लस कॉस 2x होल अपॉन, है ना, 1 प्लस कॉस 2x होल अपॉन 2। इस वैल्यू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है साहब। तो यहां पर आ जाते हैं 1/4, इंटीग्रेट करोगे आ जाएगा एक्स। यहां पर हमने वो जो वैल्यू निकाली थी 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 4 करते हुए वो इस्तेमाल करेंगे। जब ये x था, देखो ध्यान से, तो ये 2x था, इसका डबल। अगर ये 2x है तो उसका डबल 4x आ जाएगा वहां, तो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx माइनस, इसका इंटीग्रेशन पता ही है कॉस का होता है साइन थीटा, साइन 2x, 2 से मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा डिवाइड प्लस c, लगा लीजिए, आगे भी लगाना होगा। आगे चलते हैं बेटा, अब यहां पर आ जाइए, आप चाहिए मल्टीप्लाई कर लीजिए या अंत में कर लेंगे मल्टीप्लाई। ये वैल्यू रही एक्स, यहां पर इंटीग्रेट करने चले तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस, ये 2 से 2 कट गया है तो साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकाल चुके थे हम लोग। अब आगे की बात करते हैं हम लोग बेटा, तो ये इसको 1/4 को भी रहने देते हैं x, ये हो जाएगा 1/2x। यहां पर आ गए 1/2, कॉस 4x को इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा साइन 4x अपॉन 4 और माइनस साइन 2x तो था ही। ये हमारा सवाल खत्म हो चुका है, मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख लेते हैं। तो 1/4 को अगर आप चाहें तो ठीक है, मैं 1/4 से मल्टीप्लाई मार दो तो x/4 प्लस x/8, यहां से मारोगे तो आ जाएगा 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, तो प्लस साइन 4x/32 माइनस साइन 2x और ये 4 नीचे प्लस सी। इस सवाल में थोड़ा सा ये इन दोनों को जोड़ भी लीजिए, थोड़ा सरल हो जाएगा, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूं और यहां इन दोनों को सम कर लीजिए अलग अलग है, तो 8 आ गया एलसीएम, 2x प्लस x आ जाएगा 3x। तो फाइनली आप इसको
साइन 4x अपॉन 32 और यहां लिख दीजिए माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी, लिख के फाइनल आंसर दें, क्योंकि आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया जाता है, ये एड अप हो रहे थे तो उसको जोड़ लीजिए आप। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 है और बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, कोई परेशानी की बात नहीं। इंटीग्रेशन कॉस की पावर 4 2x लिखा हुआ है, अब इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं आसानी से कॉस स्क्वायर 2x, ये 2 है बेटा और इसका भी स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, इसको मैं 2 ही कर देता हूं ये। अब जानते हैं कॉस स्क्वायर 2x की कहानी आप कहां से फिट कर सकते हैं, आप जानते हैं कि कॉस 2x का जो फॉर्मूला था उसमें 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 यानी कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू थी वो थी 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ध्यान ये रखिएगा यहां पर x है तो ये डबल वैल्यू आ जाती है यहां पर 2x। अब यहां पर अगर मैं इस्तेमाल करूं इस फॉर्मूले का तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस 2x है इसका डबल, तो ये लिखा है 2x तो 4x हो जाएगा, तो कॉस 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। बहुत सुंदर, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे हम लोग, तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको 4 को कर लो बाहर। आगे चलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 4 आ रहा है देखिए, तो यहां पर 4 लिखना होगा, कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2ab 2 कॉस 4x और इसका इंटीग्रेशन तो करना ही करना है हमको, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं और होल का ब्रैकेट दे देते हैं, बात खत्म। आगे चलते हैं हम लोग, अब देखिए 1/4 लिखा, इस 1 का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे या मैं लिख देता हूं 1 dx, यहां पर आ जाइए तो इंटीग्रेशन लिखेंगे कॉस स्क्वायर 4x और यहां लिखेंगे तो ये 2 बाहर कॉस 4x dx, इस तरीके से प्लस सी बाद में भी लगा सकते हैं, यहां पहुंच गया। अब आप देखिए 1/4 इस x को इंटीग्रेट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा, यहां आ जाएं, फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा वाला, तो यहां से वैल्यू मिलेगी 1 प्लस कॉस इसका डबल 8x अपॉन 2 dx प्लस 2 कॉस 4x का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x अपॉन जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसे डिवाइड करते हैं प्लस सी। आगे चलते हैं बेटा, अब 1/4 लिखा, आगे चलो ये रहा x, इसमें अलग अलग बाइफरकेट किया तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 8x dx और इस 2 से 2 को काटोगे तो मिलेगा साइन 4x अपॉन 2 प्लस c, ये वैल्यू यहां आ जाती है। आगे चलते हैं हम लोग, तो 1/4 ये रहा x, ये आ जाएगा 1/2x, यहां आ जाएगा 1/2 साइन 8x अपॉन 8 और यहां आ जाएगा साइन 4x अपॉन 2 प्लस सी, ये वैल्यू लिख दी गई है बड़े आराम से। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, अब यहां पर 1/4 इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 2 × 3 3x/2, ये आ जाएगा साइन 8x अपॉन 16, ये है साइन 4x अपॉन 2 प्लस सी, अब मल्टीप्लाई करके लिखिए काम खत्म, 3x अपॉन 8 प्लस साइन 8x अपॉन 16 4 जा 64 प्लस साइन 4x अपॉन 4 2 जा 8 प्लस सी और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न था, कोई परेशानी की बात नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बहुत ज्यादा सरल सवाल है, ये साइज में क्यों है ये पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को लिख लीजिए वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डीएक्स और इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां पर लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, देखिए साहब इंटीग्रेशन डीएक्स। अब वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स कट गया, हाथ में क्या आया इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस एक्स और ये रहा डीएक्स। अब वन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कौन निकल लेता है, तो इस वन का इंटीग्रेशन करिए आ जाएगा एक्स, उस कॉस एक्स का करोगे तो आ जाएगा साइन एक्स, और एक सी तो हम लोग को मिला ही हुआ है, तो ये हो गया आंसर इसका। तो दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और देखिए 13 में लिखा है कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा होल अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ऊपर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस 2 थीटा का, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल करते हैं इसलिए लिख के दिखा नहीं रहा हूं। तो यहां पर आप इस्तेमाल करें 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसकी जगह माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होल अपॉन, नीचे लिखते हैं कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब देखिए ऊपर क्या वैल्यू आ गई, इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होल अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ये वैल्यू आ जाती है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये माइनस 1 प्लस माइनस, देखिए ये कैंसिल हो गया, हाथ में क्या लगा 2 ले लो कॉमन बाहर, तो वैल्यू आई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। अब थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं हम लोग बेटा। अब यहां पर देखिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी और ये रहा ए माइनस बी होल अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और ये रहा डीएक्स। अब ध्यान से देखिए ये कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, हाथ क्या लगा 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 इसका इंटीग्रेशन, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं जबरदस्ती जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कॉस अल्फा कांस्टेंट है तो कॉस अल्फा आ जाएगा बाहर और ये रहा आपने डीएक्स, सी तो अभी लिखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं बेटा, यहां पर वैल्यू आ गई 2 कॉस एक्स का होता है साइन एक्स इंटीग्रेशन और कॉस अल्फा तो कांस्टेंट था और उधर आ गया एक्स प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर, चाहो तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन एक्स प्लस 2 एक्स कॉस अल्फा प्लस सी और ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए सारे सवाल लग जाएंगे। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए 14 में दिखा हुआ है कि कॉस एक्स माइनस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं इधर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। देखिए क्या कर देते हैं हम लोग, यहां पर इसको लिख दो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो लिखा ही था, नीचे इस वन को लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बहुत जगह यूज करेंगे, और इस साइन टू एक्स को लिख देते हैं टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है साहब।
अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला बन गया, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो ऊपर था ही, लेकिन नीचे वैल्यू क्या आ गई आपकी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, देखिए वैल्यू बनी ना। अब अगर हम लोग नीचे वाले टर्म को टी मान लें तो देखिए ऊपर वाला टर्म आ रहा है ना। अगर ऐसा आ रहा है तो बहुत आसान सी बात है, लेट टी इज इक्वल टू, देखिए यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां पे डी टी अपॉन डी एक्स करोगे तो वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी कल को इससे अगर मैं वैल्यू निकाले हूं डी एक्स की तो वैल्यू आ जाती है डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए ध्यान से बेटा, ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं और इसका भरपूर एडवांटेज लेने वाले हैं। नीचे का ऊपर आ रहा, बात खत्म हो जाएगी। अभी नीचे को टी माना था तो लिख दिया टी स्क्वायर, ये देखिए इसको टी लेट किया था, ऊपर जो लिखा है लिखे रहने देते हैं क्योंकि अभी ये कट जाने वाला है। डीएक्स की वैल्यू यहां से लिख दी डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अभी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर था तो टी की पावर माइनस टू डी टी लिख दिया। और अब इसमें फॉर्मूला लगा दो तो टी माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। आगे चलते हैं, ऊपर वैल्यू हो गई टी की पावर माइनस वन, नीचे आ गई माइनस वन प्लस सी और वन अपॉन टी प्लस सी। अब हमने टी को जो माना था उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, टी में आंसर दे नहीं सकते हैं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वैल्यू ब्रैकेट में डाल दो प्लस सी और ये आपका साफ आंसर बन गया। तो इस तरीके से आप माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस प्लस सी इज योर आंसर, बड़े आसानी से निकल सकता है। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, देखिए इसको कैसे करेंगे। तो 15 नंबर का सवाल जो हमारे सामने पेश किया गया है वो है 10 क्यूब, बड़ा वाला लिख रहा हूं, क्यूब 2x और बाजू में रहा sec 2x, जिसे आपको देखने में बिल्कुल तकलीफ ना हो, बोर्ड क्योंकि सरका सकते हैं, बड़ा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे बात करते हैं, लेट कर लीजिए यहां पर sec 2x को, sec 2x को हम ले लेते हैं t। देखिए क्या एडवांटेज मिलेगा, जब आप डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी sec x इंटू टेन एक्स। अब 2 है तो 2 से ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा यहां पर, क्योंकि डिफरेंशिएशन में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, निकाल के रखते हैं हम लोग भाई, तो ये रहा डी टी अपॉन 2 sec 2x इंटू टेन 2x। इसको हम यूज करने वाले हैं इस वैल्यू को बेटा, यहां आ जाओ, इसको लिखे रहन दिया 10 क्यूब 2x, अभी इसको भी लिखे रहन दिया क्योंकि कट जाएगा भी, देखिएगा आप। और dx की वैल्यू डाली dt अपॉन 2 sec 2x इंटू 10 2x। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये sec x इससे कट गया, तो बच्चों अब देखिए ये वैल्यू कट गई और यहां जो वैल्यू आई है वो आई 10 स्क्वायर 2x और साथ में ये 2, साथ में ये 1 अपॉन 2 था तो ये 1 अपॉन 2 आ गया बाहर और ये रहा dt। अब ये sec इसको t के फॉर्म में लेना पड़ेगा, ये t है ये x है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर 2x माइनस 1 dt। अब देखिए 1 अपॉन 2 sec 2x को माना था आपने t, तो इसको लिख दीजिए साहब टी स्क्वायर माइनस वन डी टी, हो गया ना। अब इंटीग्रेट कर दीजिए तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन थ्री, इसका होगा माइनस टी प्लस सी। अब टी की जो वैल्यू थी सेक टू एक्स वो सब्सटीट्यूट करके क्लोज कर दीजिए सवाल, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो नीचे आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा sec क्यूब 2x और माइनस अपॉन 2
sec 2x plus c, or this is the final answer. sec cube 2x upon 6 minus sec 2x upon 2 plus c. इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं. तो बच्चों आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. तो 16 में लिखा है इंटीग्रेट करने के लिए 10 की पावर 4x dx. तो क्या करें इसको, आप लिख लें 10 स्क्वायर x का स्क्वायर, या इसको सीधे 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x कर दीजिए. ठीक है सर. अब देखिए इसके बाद क्या करें, इस 10 स्क्वायर x को sec के फॉर्म में चेंज कर लो. तो लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x dx. अब उसके बाद इस 10 स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर लो, sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इंटू dx. बहुत सुंदर बात. आगे चलते हैं हम लोग. अब इंटीग्रेशन में आ जाइए, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 10 स्क्वायर x dx. आगे चलते हैं, यहां dx लिखना छूट गया तो आप dx मेंशन कर लीजिएगा, ये इधर dx लिखा हुआ है. तो आगे चलते हैं, ये वैल्यू जो है इसको मैं भी लिखे रहने देता हूं, इसको इंटीग्रेट करूंगा 10 स्क्वायर x dx, और इस वैल्यू को लिख लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx. 10 को लिखा जा सकता है, ये तो सीधे ही इंटीग्रेट हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10 x होता है, और ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि इसके लिए आप पुट लेट कर लीजिए, लेट t इज इक्वल टू 10 x. अब जहां आप dt अपॉन dx निकालने जाएंगे आ जाएगा sec स्क्वायर x, यानी dx की जो वैल्यू होगी वो होगी dt अपॉन sec स्क्वायर x. इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर x को तो लिखे रहने देते हैं, 10 स्क्वायर x, 10 x को t माना था तो ये आ गया t स्क्वायर, और यहां वैल्यू आ जाएगी dx की जगह dt अपॉन sec स्क्वायर x. आप देख पा रहे होंगे ये और ये गया कट, यहां आ जाओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 10 x, इस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी तो अंदर ही रखते हैं तो इसका हो जाएगा x, और प्लस सी तो आप लगा के छोड़ ही दीजिएगा, मतलब वो रहना होगा. आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर dt माइनस 10 x प्लस x प्लस सी. आगे चलते हैं, ये t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी t क्यूब अपॉन 3 माइनस 10 x प्लस x प्लस सी. अब देखिए बेटा t की वैल्यू हो गई यहां पर 10 x, तो ये वैल्यू बनी 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10 x प्लस सी, और ये इसका आंसर हो गया. देखिए आप ध्यान से, ये बड़े आराम से इसका आंसर हो गया, और इसी के साथ सवाल ये अपना सॉल्व हो गया. तो इस तरह से आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं. तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 विच इज वेरी वेरी इजी. देखिए कुछ भी नहीं है सवाल, कुछ सवाल तो बहुत ही आसान दे दिए गए हैं, और उनमें से एक सवाल है तो मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं आपके लिए, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब न्यूमिनेटर से थोड़ा सा इसको हम लोग अलग कर लेंगे, तो पहली वैल्यू लिख लेंगे साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब है, ये मुझे थोड़ा सा इसको साफ करना होगा, तो यहां वैल्यू लिख लेनी चाहिए कॉस क्यूब एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल का डीएक्स. अब देखिए ये साइन स्क्वायर को मार दीजिए तो वैल्यू बचेगी 1, यहां कॉस स्क्वायर को मार दीजिए तो वैल्यू बचेगी 1, मतलब ये हो जाएगा साइन एक्स, इस कॉस एक्स को लिख लेते हैं कॉस एक्स
इनटू कॉस एक्स, यहां लिख देते हैं कॉस एक्स, और इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं साइन एक्स इनटू साइन एक्स इनटू डीएक्स। आगे चलते हैं बेटा, और यहां देखिए इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लिख लीजिए टेन एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं सेक एक्स। ये रहा डीएक्स, प्लस इसको इंटीग्रेट करें कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉट एक्स, वन अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स डीएक्स। अब देखिए काम खत्म हो गया, टेन एक्स इंटू सेक एक्स आप जानते हैं क्या होता है, सेक एक्स होता है, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स होता है, और प्लस सी तो एक था ही, और यही आपका देखिए फाइनली आंसर हो गया सेक एक्स माइनस कॉसेक्स प्लस सी। इस तरह से बड़े आसानी से क्वेश्चन लगाया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 विच इज वेरी वेरी इजी। देखिए बिल्कुल एकदम बच्चों वाला सवाल है, लिखा है कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब पहले जो कॉस टू एक्स लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स। आप समझ गए होंगे क्यों इतना इजी है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये रहा डीएक्स। ये देखिए ये दोनों तो यहीं कट गए साहब, बचा ही गया, ये बचा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स तो होता है टेन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा टेन एक्स प्लस सी, और ये सवाल खत्म हो गया। देखिए शुरू होने से पहले ही ये खत्म हो गया, दैट इज द क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको जरूर टिक करके रखिए बेटा, थोड़ा सा ट्रिक लगा लेते हैं इसमें। क्वेश्चन बड़ा करके लिखता हूं, वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अब इसमें हम लोग न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहां बन गया कॉस की पावर 4x। बेसिकली ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसको हम लोग 10x और sec x के फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो अभी इसको 10x और sec x के फॉर्म में देखिए कितने आराम से लेके आएंगे। अब आगे चलते हैं, ये कॉस इधर चले, इसको लिख लिया वन अपॉन देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस को नीचे ले लो कॉस एक्स, और ये जो वन अपॉन कॉस की पावर 4x था इसको यहां लिख सकते हो sec की पावर 4x। देखिए हम लोग sec x और 10x के फॉर्म में लाना चाहते हैं, यहां चलिए इंटीग्रेशन, नीचे वाले को 10x लिख लो और ऊपर वाले को हम लोग sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x के फॉर्म में तोड़ लेंगे। एक sec स्क्वायर x को हम लोग 10 के फॉर्म में तोड़ेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और एक को एज इट इज रहने देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम अभी नीचे जो 10x लिखा है इसको t मानेंगे यो sec x उड़ जाएगा। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हुए यहां पहुंच गए हम लोग। अब इसमें 10x को t ले लो बेटा, लेट t इज इक्वल टू 10x। तो जैसे ही आप dt अपॉन dx करोगे वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर थीटा मतलब x, और dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन sec स्क्वायर x। ठीक, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 10x को आपने t माना था तो ऊपर हो गया 1 प्लस t स्क्वायर, नीचे था t, यहां था sec स्क्वायर x, और इस dx की जगह आ गया dt अपॉन sec स्क्वायर x। देखिए ये एडवांटेज मिला, अब ये sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x कैंसिल हो गया, हमारा सिंपल फॉर्मेट में 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी, एक सिंपल इंटीग्रेशन हाथ लग गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, पहला वाला आ गया 1 अपॉन टी डी टी, और दूसरे वाले में टी स्क्वायर से टी कटेगा तो केवल टी डी टी रह जाएगा, प्लस सी तो है ही। 1 अपॉन टी टी को हम जानते हैं होता है लॉग टी, मॉडुलस लगा लेते हैं अभी, प्लस इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू
प्लस सी, टी को माना था 10x, तो हो गया लॉग 10x प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस सी, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आप ध्यान से देख लीजिए, log 10x मॉडुलस में प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी ट्रिक दिमाग में लगानी पड़ेगी, वरना मजा नहीं आएगा। तो जस्ट कीप इन माइंड, अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये भी बहुत आसान है, हमें इंटीग्रेट करना है, ऊपर है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। cos 2x को हम लोग लिख लेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिखा जा सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ने इसको मार दिया, ये वैल्यू कट की वैल्यू वन बचेगी। अब ये सवाल बन गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। फायदा ये मिला आपको कि अब अगर हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को टी मान ले, डिनोमिनेटर वाले टर्म को, लेट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को टी मान लीजिए, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म देखिए आ रहा है डी टी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स। अब ये देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, यानी डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो लिखोगे डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूं, और यहां पर देखिए ये वैल्यू हो गई, नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को माना था टी, ऊपर अभी लिखे रहने देते हैं क्योंकि अभी कैंसिल आउट होने वाली है वैल्यू ये, और इधर लिख दिया डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू देखिए कट गई, क्या आ गया इंटीग्रेशन वन अपॉन टी डी टी सी, तो अभी लिखी देंगे आ गया लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी, टी में आंसर दे नहीं सकते हैं, तो लॉग टी को माना था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मॉडुलस में प्लस सी इज योर फाइनल आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, दिस इज वेरी वेरी इजी। देखिए कैसे हमें इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन नंबर 21 में इंटीग्रेशन करना था साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। हमको ये पहले से मालूम है कि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t या थीटा की वैल्यू होती है पाई बाई टू, यानी अगर मैं लिखना चाहूं इसको t ले लो अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स t को पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स t, यानी मैं लिख सकता हूं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स कॉस x। देखो भाई बिल्कुल बराबर लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए फायदा क्या मिला, पाई बाई टू तो पाई बाई टू रहा, कॉस इनवर्स कॉस एडजस्ट कर गया, तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आ गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट का, तो पाई बाई टू इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। सी तो लगा ही लेंगे, अभी आगे चलते हैं हम लोग, यहां वैल्यू आ गई पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, और यही हमारा देखिए आंसर हो गया। तो दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, पाई बाई टू एक्स माइनस स्क्वायर बाई टू प्लस सी इज योर आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामिनेशंस में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा, क्योंकि एक छोटा सा इसमें ट्रिक लगता है, अदरवाइज क्वेश्चन निकालने में मुश्किल आती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिक कर लेना बेटा, एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला सवाल है। देखिए इसमें क्या तरीका अपनाएंगे हम लोग,
नीचे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी तो लिखा ही है, क्वेश्चन में दिया था। ऊपर जो हम वैल्यू लाना चाहते हैं साइन के टर्म में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के फॉर्म में, तो साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, अगर ये मैं वैल्यू लिख दूं, देखो ध्यान से, तो इसको जब एडजस्ट करोगे, देखो यहां एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी ऐसे लिखोगे, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो माइनस एक्स लिख दिया प्लस बी लिख दिया, तो ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, बी माइनस ए आ जाएगी। तो बेसिकली ऊपर जो लिखा गया वो साइन बी माइनस ए है, अगर इसी को मैं साइन बी माइनस ए से डिवाइड कर दूं तो ये बैलेंस आउट हो गया। ध्यान से देखो, यही स्टेप इसमें बहुत जोरदार है या इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सवाल बनेगा नहीं जल्दी। तो ये अब आप सोचेंगे ये कहां से कूद पड़ा यहां पर, तो ये इसकी ट्रिक है समझ लो, क्योंकि नीचे कॉस तो साइन लाएंगे और अभी देखिए तोड़ के लिख देंगे इसको हम लोग, यही इसकी ट्रिक है, इसीलिए स्पेशल सवाल हो जाता है ये। तो ऊपर हम लोग एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के फैक्टर में, ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान रखने का तरीका, साइन लेके आते हैं, तो साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख लिया, और इसको जब आप कट करेंगे तो मिलेगी वैल्यू बी माइनस ए, तो यहां पर ये बेसिकली क्या है, साइन बी माइनस ए, और साइन बी माइनस ए से डिवाइड मार दिया, बैलेंस आउट हो गया। अब देखिए आगे, ये वन अपॉन साइन बी माइनस ए तो था ही बाहर, यहां पर इसको हमने बोला ए पूरा पूरा एंगल को, इसको बी, तो ये बी और ये ए, तो फॉर्मूला लगाने वाले हैं साइन ए माइनस बी का, बेटा ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इसलिए आपको ये बताया है साइन ए माइनस बी, तो क्या लिखोगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ये एक्सप्रेशन लिख लिया उन्होंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने के बाद। अब न्यूमिनेटर में इस टर्म से ये और इस टर्म से ये को हम अलग कर लेंगे, तो देखिए मैं इसको ऊपर थोड़ा भेजता हूं और यहां वैल्यू लिखते हैं, यहां लिखते हैं वन अपॉन साइन बी माइनस ए, और न्यूमिनेटर में वैल्यू अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, फिर दूसरे वाले से ब्रेक करते हैं, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी बेटा अपॉन नीचे जो लिखा था कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक। अब देखिए वैल्यू कुछ कट जाएंगी इसके अंदर, वन अपॉन साइन बी माइनस ए बाहर था हमारा, ब्रैकेट लगाया, अब यहां पर वैल्यू कट गई कॉस एक्स माइनस बी, यही देखिए फायदा मिलेगा, यहां पे आइए तो यहां भी वैल्यू कट जाएगी कॉस एक्स माइनस ए, तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हाथ लग गया बेटा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, देखिए ये जाना पहचाना सब सिस्टम आ गया है, ये हुआ वन अपॉन साइन बी माइनस ए और ये हो गया इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स प्लस सी, तो लगा ही देंगे अभी। तो बच्चों यहां पर हम लोग पहुंचे और देखिए 10x माइनस यानी कि आप 10x का इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूला आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन जब करते हैं 10x का तो वैल्यू हमारे सामने निकलती है माइनस
log cos x, ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे हम लोग करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। अब यहां फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, यहां पर इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, इधर आ जाओ एक माइनस एक इसका वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस लॉग कॉस एक्स, कॉस के बाद कॉस के बाद एक्स माइनस बी मॉडुलस में, और प्लस सी तो एक रहने ही वाला है। आगे चलते हैं बेटा, हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब यहां पर आप आगे लिख सकते हो वन अपॉन साइन बी माइनस ए, और ये देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी बन गया, तो लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग ए अपॉन लॉग, लॉग का मतलब ए, लॉग ए अपॉन बी मॉडुलस के अंदर, और बस ये रिजल्ट आ चुका है। तो ये आंसर आपको क्या मिला, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए मॉडुलस के अंदर प्लस सी, और ये आपका आंसर आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था, जस्ट कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से मैं लिख दूं, जैसे आप इसको हल्के में ना लें किसी कीमत पे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जब तक आप अच्छे से करे नहीं होंगे ये अटक जाने की संभावना बन जाती है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसको कैसे करना, बहुत आसान सवाल है। तो लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, तो इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, अलग कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमिनेटर से अलग डिवाइड कर लिया, अलग अलग कर लिया, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सी तो एक मिल ही जाता, उसकी तो बात ही छोड़ दो। साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, ये वैल्यू क्या बनी, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस और एक माइनस पहले से लगा था, और प्लस सी। तो ये देखिए ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में देखिए बोला क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर एक्स वन प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में e की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स इक्वल टू। तो इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं e की पावर एक्स इंटू एक्स को टी। अब देखिए यहां पर अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, तो देखिए क्या आएगा, काफी टर्म ऊपर वाला हल्का कर देगा। तो ये दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो पहले ई एक्स लिखा और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, फिर एक्स लिखा और ईएक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या मिला बेटा, इसमें से ई एक्स कॉमन ले लो और आ गया वन प्लस एक्स। ये देखिए ये ऊपर वाला टर्म ही काट देगा इसको, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी अपॉन ई एक्स वन प्लस एक्स, इसका हम लोग इस्तेमाल इसमें कर लेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स, नीचे लिखा कॉस स्क्वायर, और इसको हमने t माना था, वहां देखिए ये t माना था, तो इसकी जगह हमने लिख दिया t, और यहां वैल्यू हो गई डी टी अपॉन e की पावर x 1 प्लस एक्स। ये पूरी वैल्यू ऊपर से कट गई, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t है, जो कि बन जाएगा sec स्क्वायर t डी टी, और सेक स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन टेन टी प्लस सी, टी में आंसर दे नहीं सकते हैं, तो टेन और टी हमने माना था एक्स इंटू ई एक्स या ई एक्स इंटू एक्स प्लस सी, देखते हैं किससे मैच कर रहा है।
तो ये ऑप्शन नंबर बी है, ये देखिए x इंटू एक्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सुपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रख दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज, ये एक्सप्लेनेशन आपको काफी मदद करेगा और आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।